मीडिया का एक हिस्सा आज अपनी आजादी की रक्षा के लिए लड़ रहा है, वहीं एक हिस्सा सत्ता के आगे सरेंडर कर चुका है। आज सच लिखने और बोलने की आजादी पर खतरा है। पेड न्यूज, फर्जी खबरें, टीआरपी घोटाला, सनसनी, पक्षपात और भेदभाव भरी खबरों ने उसकी छवि पर थोड़ा असर डाला है। हमारे संसदीय लोकतंत्र में सांसदों और मीडिया को सवाल पूछने का विशेषाधिकार है, लेकिन जब संसद में रखी अहम बातें प्रोसीडिंग से बाहर होने लगी, शायरी तक बाहर होने लगे, तो पीड़ा जरूर हमको होती है। मीडिया का एक तबका अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। गरीबी, रोजगारी, विषमता जैसे सवाल गायब हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजेंडा चला रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि भारत में ऐसे तमाम महान पत्रकार हुए जिन्होंने निडर होकर फिरकापरस्त ताकतों, जातिवाद और सांप्रदायिकता का विरोध किया, लेकिन आज वो सभी कमजोर दिख रहे हैं। ये चिंता की बात है कि जिस देश में संविधान ने मीडिया को इतनी आजादी दी है, वह दुनिया के 180 देशों में प्रेस की आजादी की रैंकिंग 2022 के आंकड़े अगर निकाले तो हमारा स्थान 150 पे है। यानी 180 देशों में जहां पर प्रेस की आजादी है, तो वहां पर हमारा रैंकिंग 150 पे है। आज हेट स्पीच को मीडिया का एक तबका हवा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2022 को पूछा था कि सरकार इस पर चुप क्यों है। ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल घृणा भाषण की पूंजी बनाते हैं और टीवी चैनल एक मंच के तौर पर काम करते हैं। राहुल गांधी जी ने इस बात को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन मीडिया के एक तबके ने इसे नजरअंदाज किया। हाल में रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, जिसमें मुझे अध्यक्षता करने का अवसर मिला था, लेकिन 10,000 से ज्यादा अधिक नेता कार्यकर्ता वहां जुटे थे। उसे संसद टीवी और सरकारी प्रचार माध्यमों में एक थोड़ी सी भी जगह मुझे नहीं मिली। आज संविधान और लोकतंत्र के सामने बड़ा खतरा, और हम सभी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है।